रोड टू चीजिंग एस्थेटिक फिजिक के एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। सो हर किसी के सपने होते हैं कुछ ना कुछ। मेरा एक सपना था छोटा सा कि मुझे एस्थेटिक फिजिक अचीव करनी है और मैं उसकी तरफ निकल चुका हूं। तो आज एपिसोड नंबर 1 कुछ डाइट और कुछ वर्कआउट के टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूं और मेरे इस वर्कआउट से आप बहुत कुछ सीख सकते हो भाई। ओके सो भाइयों, अभी मैं आपको बताता हूं मेरी प्री वर्कआउट मील जो कि पिछले मैं 1 महीने से यूज कर रहा हूं। सिंपली भाइयों, ये मैंगो का शेक है, आप लोग देख सकते हो। इसमें सिर्फ मैंगो एंड दूध डाल रखा है 1 ग्लास यानी 250 ml और ये 2 ब्राउन ब्रेड। तो आज है मेरा शोल्डर एंड बाइसेप का वर्कआउट और जिनके साथ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो सर्टिफाइड ट्रेनर है, काफी बार इन्होंने कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी करी है। तो जब मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने मुझे 3 चीजें बताई। उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज तो अपनी ऑडियंस को जरूर बताइए कि हैवी लिफ्टिंग के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं, हैवी करना गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे 3 कॉन्सेप्ट समझाए थे, आज मैं आपको 2 ही बताता हूँ, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने मुझे बोला टाइम अंडर टेंशन, जितनी देर आपकी मसल स्ट्रेस में रहेगी आप होल्ड करके रखोगे 5 सेकंड 10 सेकंड, भाई आप देखोगे कि आपको पंप ज्यादा मिल रहा है और आपकी मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी के साथ हो रही है। दूसरी चीज उन्होंने मुझे बताई भाइयों नेगेटिव, कि जब हम ऊपर लेके जाते हैं नीचे लेके जाते हैं, इनको हम जितना स्लोली परफॉर्म करेंगे ना उतनी हमारी मसल ज्यादा बिल्ड होगी। सो ये काफी बढ़िया प्री वर्कआउट है, इसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग वर्कआउट। तो सबसे पहले भैया ने मुझे करने को बोला वार्म अप में दोस्तों अच्छे से मुझे अपने जॉइंट्स को एक्टिवेट करना है, जैसे हम स्कूल में पीटी किया करते थे सेम टू सेम वैसे ही करने को बोला और आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो सेम यही वार्म अप हो रहा है। एंड दोस्तों उसके बाद हम पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहली जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो है मशीन शोल्डर प्रेस। दोस्तों इसमें मैं रिवर्स होके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ। एक हाथ में होल्ड रखना है और एक हाथ से 5 रैप निकालने हैं, उसके बाद फिर से 5 रैप निकालने दूसरे हाथ से, फिर दोस्तों दोनों से 5 रैप निकालने, ऐसे करके दोस्तों हमें 3 सेट इसके लगाने थे। एक ही सेट पर गजब का पंप आया था। दूसरी जो मेरी एक्सरसाइज आती है वो है अपराइट रोज। इसको मैंने लेट के लगाया, सच बता रहा हूँ मेरा शोल्डर इतना पेन कर रहा था भाई, इतना ब्लड फ्लो बढ़ चुका था शोल्डर में, इतना पंप आया और सच बता रहा हूँ पूरे शोल्डर वर्कआउट आज तक मैंने जितने भी किए ना खत्म होने तक इतना अच्छा पंप नहीं आता जितनी भाइयों दूसरी एक्सरसाइज में ही आ गया था। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो है लेटरल रेजेस। अगर आप लोग के जिम में वाली मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दोस्तों नंबर से कर सकते हो और आप लोग देख रहे हो कि कितना स्लोली मैं परफॉर्म कर रहा हूं और लास्ट की जो 3 से 4 रैप्स है उनमें भैया मेरे को कम से कम 5 से 6 सेकंड का होल्ड करा रहे हैं ताकि ब्लड फ्लो बढ़े और यही दोस्तों मसल को ब्रेक डाउन करता है, तभी हमारी मसल बड़ा होता है। जबरदस्त पंप आया है शोल्डर्स में। आज का वर्कआउट बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा है तो ड्यूरिंग वर्कआउट में लेता हूँ EAA, आपको बताइए हेलिक्स लैब का यूज कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज आती है भाइयों वो है रियल डेल्ट फ्लाय। भैया ने थोड़ा सा मेरे को इसमें अलग पोजीशन बताया कि हमें अपनी चिन को ऐसे रखना है जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो और सच बता रहा हूँ बिल्कुल भाई रियल डेल्ट पे असर पड़ रहा था। ये वाला ट्राई करो, सच में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था रियल डेल्ट में, काफी अच्छा पंप आया था। तो शोल्डर की हमने सिर्फ 4 एक्सरसाइज करी और हाई इंटेंसिटी में ड्रॉप सेट सुपर सेट हर एक चीज इंक्लूड करी मैंने और काफी ज्यादा बढ़िया मजा आया। अब हम बाइसेप्स का वर्कआउट करते हैं। तो आने वाली जो 3 एक्सरसाइज है भाइयों बाइसेप की उसमें मैंने हर किसी के 1-1 सेट लगाए हैं और ड्रॉप सेट हुआ है। यानी 7.5 वेट लगा रखा था दोनों साइड, एक 5 kg का प्लेट और एक 2.5 kg की प्लेट। तो पहले मैंने 7.5 दोनों साइड लगा के दोस्तों 15 रैप निकाले, फिर भैया ने 2.5 की प्लेट निकाली, मैंने 5-5 दोनों तरफ रखे, इसके मैंने 12 रैप निकाले, फिर भैया ने 5 निकाल के 2.5 फिर से लगा दिया, इसके दोस्तों मैंने 10 रैप निकाले और फिर उसके बाद मैंने खाली रॉड से मारा। तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों मैंने मारी थी डंबल कर्ल्स। तो आप मैं मशीन से मार रहा हूँ, आपके पास मशीन ना हो तो आप डंबल कर्ल कर सकते हो। सेम इसमें मैंने ऐसे ड्रॉप लगाया 15-12-10 का। उसके बाद भाइयों जो हमारी तीसरी जो एक्सरसाइज आती है वो है प्रीचर कर्ल। इसके भी दोस्तों मैंने 1 सेट लगाया, भैया ने बहुत ज़्यादा वेट कर रखा था तो मैंने 15 रैप पहले निकाले, उसके बाद भाइयों 12-10 और ख़त्म। अरे भाइयों वर्कआउट मेरा खत्म हो चुका है और अब मैं आपको अपनी दिखाता हूँ पंप कितना तकड़ा आया है और कैसी मेरी अपडेट चल रही है। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और सॉरी थोड़ा सा इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज वगैरह ज्यादा आ रही थी, मैंने भी पहली बार शूट किया था ऐसा। अगर आप लोगों को दोस्तों कंटिन्यू ऐसे एपिसोड चाहिए, आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों के नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी जल्दी लेके आऊंगा। सो भाइयों कमेंट करो फटाफट से, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो, वहां पे ब्रॉडकास्ट चैनल भी आ चुका है और भाइयों tnponline.in या फिर आप लोग बाय कर सकते हो न्यूट्रिशन प्लेनेट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से प्रोडक्ट्स हेलिक्स लैब के।